हेलो दोस्तों मराठे मोटिवेशनल स्पीकर माइंडशिप ट्रेनर और आपका अपना दोस्त दोस्तों आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड भगवत गीता बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके कहा था कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइएगा और जब मुझे मैंने डिसाइड किया कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो बहुत सारी किताबों में बताया गया है लेकिन बाकायदा बहुत ही डिटेल में जो बताया गया है वो सीक्रेट इस किताब में तो इस किताब को मैंने पहले भी पढ़ा था लेकिन जब बारी आई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड भगवत भगवदगीता तो दोबारा मैंने ये किताब उस नजरे से पढ़ी एंड भगवत गीता में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित या मिलता जुलता जो भी बताया गया जिन श्लोक में बताया गया है उनका मैंने अभ्यास किया और इसलिए थोड़ा वक्त हुआ इस टॉपिक को बनाने के लिए इस वीडियो को बनाने के लिए ओके okay, सो so दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ एट्रैक्शन जबरदस्त काम करता है ये कुछ लोगों का कहना है मानना है और कुछ वर्ग ऐसे भी है कुछ लोग ऐसे भी है कि जो ये मानते हैं कि लॉ ऑफ एट्रैक्शन काम नहीं करता है ओके okay. सो so, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने पहले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता दिया है भगवत गीता में पहले ही बता दिया है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भगवत गीता में नहीं बताया है ओके okay. सो so, ये जो कंफ्यूजन है इसे पहले तो हम दूर करेंगे पहले हम ये समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं दोस्तों एक मूवी आई थी आमिर खान की पीके और उसमें एक डायलॉग है उसमें वो कहता है आमिर खान कहता है कि दो भगवान होते हैं एक जिसने हमें बनाया वो एक भगवान और दूसरा वो जिसको हमने बनाया हमारा बनाया हुआ भगवान भी है और जो इंसान का बनाया हुआ भगवान है वो इंसान के जैसे ही है वो थोड़ी थोड़ी चीजों में खुश हो जाता है उससे अगर हम प्रसाद चढ़ा देते हैं लालच देते हैं तो वो खुश हो जाता है और वो हमारे काम कर देता है ओके ये इंसान का बनाया हुआ भगवान है अब क्या इससे हमें रिजल्ट मिलेगा कभी नहीं मिलेगा और फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं भगवान रिजल्ट नहीं देता है भगवान नाम की कोई चीज है ये नहीं वगैरह 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 सेम उसी तरह से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है दो प्रकार के है एक वो जिसके नियम से जिस नियम से हमारे हर काम चलते हैं हमारे काम होते हैं जिंदगी में ओके और दूसरा वो जिसका इस्तेमाल करके हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ जिसका मतलब हमने भी हमारा एक अट्रैक्शन बना लिया है उसे सुना है समझा है पूरी तरह से लेकिन समझा नहीं है और हमारे अकॉर्डिंग उससे ढाल लिया है बोले यही लॉफ एट्रैक्शन है और फिर वो लॉफ एट्रेक्शन काम नहीं करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ कहता है कि आप जो सोचते हो आपको मिल जाता है बहुत सिंपल है ओके फाइन सो मैं क्या करता हूं मैं ये सोचता हूं अच्छा जो मैं सोचूंगा वो मुझे मिल जाता है ये नियम है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो ठीक है मैं भी घर से बाहर निकलता हूं और ये सोचता हूं कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूं रास्ते पे मुझे एक लाख रुपए कैश मिलनी चाहिए ओके और जैसे मैं रास्ते पे जाता हूं और मुझे एक लाख रुपए कैश नहीं मिलता है तो मैं कहता हूं अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बकवास से ये काम <laughs> नहीं करता है दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि कुदरत के कुछ नियम होते हैं और वो हम माने या ना माने वो काम करते हैं और वो प्रोसेस से काम करते हैं कुदरत का नियम है अगर बीज डालोगे बीज बोगे तब और तब जाके आपको जो है वो फसल आप काट सकते हो फल आपको मिलेगा ये प्रोसेस है डायरेक्टली फल आपको नहीं मिलेगा आपने कुछ सोचा और आसमान से सीधा आपके सामने टपक गया और प्रकट हो गए आपके सामने ऐसा नहीं होता है और जो लोग ये मानते हैं कि ऐसा होता है तो ये हम माने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं करता है वो एक प्रोसेस है और बाकायदा जब मैंने ये किताब और गहराई से पढ़ी इस दृष्टिकोण से मैंने उसे पढ़ी तो उसमें के कुछ पॉइंट्स मेन पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं सीक्रेट इस किताब में क्योंकि इस किताब में बाकायदा फ्रेमवर्क उन्होंने बताया है एंड कुछ स्टेप्स उन्होंने बताया है कि इस स्टेप्स से अगर आप फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं तो ये सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा वो फ्रेमवर्क मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में और और वो काम करता है फिर वो कैसे काम करता है हम डिटेल में देखेंगे अगर आपने मूवी देखी है और मूवी सीक्रेट मूवी अगर आपने देखी है तो उसको देखकर भी बहुत सारी गलतफहमियां मन में तैयार हो जाती है भाई वो एक मूवी है और मूवी की जैसे ही उन्होंने बनाया है जैसे कोई पुरानी फिल्म में हम देखते थे की वो अमिताभ बच्चन जो है छोटा उसका जो बाल कलाकार है उसका काम कर रहा है तो छोटा बच्चा दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है और तुरंत अगले सीन में अमिताभ बच्चन बड़ा हो जाता है ऐसे होता है रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है लेकिन हम समझते हैं कि भाई ये मूवी है ये मूवी में ऐसे ही दिखाया जाएगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे सीन हुए सीन है उस मूवी में जो आप देखोगे तो ये लगेगा अरे ये क्या बकवास है ऐसा तो नहीं होता है जैसे वो साइकिल पार्क कर रहा है एक बंदा और सोचता है कहीं चोरी ना हो जाए ऐसा उसने सोचा और जैसे वापस आता है देखते है देखता है कि तुरंत उसकी साइकिल चोरी होगी क्यों बोले उसने ऐसा सोचा था अब क्या हमारे साथ ऐसा होगा क्या हमने गए और साइकिल पार की और ये सोचा कि चोरी हो जाएगी शायद ये साइकिल और वापस आए तो तुरंत चोरी हो जाए ऐसे होगा क्या हंड्रेड परसेंट ऐसा नहीं होगा तो एक प्रोसेस होती है वो प्रोसेस क्या है कैसे थोड़ा डिटेल में पहले हम समझेंगे आप मुझे आपके साथ स्क्रीन शेयर करने दीजिएगा ओके फाइन सो भगवत गीता एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओके तो भगवत गीता में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या कुछ बताया है या कुछ और अलग ही बताया है ये हम समझेंगे और उसके भी पहले हम समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू सीक्रेट इस किताब के अनुसार हम सीखेंगे ओके okay. तो सबसे पहले ये बताते हैं सीक्रेट uh, uh, एक किताब वाले कहते हैं कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है जब आप कोई विचार करते हैं तो आप उसी के जैसे और विचारों को आकर्षित कर रहे हैं बहुत सिंपल है अगर मैं आ, क्रिकेट के बारे में सोच रहा हूं खेल के बारे में सोच रहा हूं तो मेरे मन में और ज्यादा खेल से रिलेटेड विचार आएंगे बहुत सिंपल है अगर मैं खाना खाने के बारे में सोचूं तो मेरे मन में बहुत सारा खाना खाने के बारे में विचार आएंगे मतलब समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है समान विचार समान विचारों को आकर्षित करते हैं नेक्स्ट वो कहते हैं आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है बहुत सिंपल सी बात है हमारा जो अभी अब वर्तमान जीवन है हमने पास्ट में जो डिसीजन लिए थे उसी का तो परिणाम है ना और जो डिसीजन हमने लिए थे हमारे जिस तरह से विचार थे उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने डिसीजन लिए विचार है, है ज्यादातर हर किसी पे वो शक करता है ये उसका विश्वास कि लोग चीट करते हैं लोग फंसाते हैं और इसलिए अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है उस बंदे के पास तो क्या वो जल्दी उस अपॉर्चुनिटी को आ, आ, कन्वर्ट करेगा अपनी सफलता में क्या उसे ग्रैप करेगा उस अपॉर्चुनिटी को नहीं करेगा वो डिसीजन नहीं लेगा क्यों क्योंकि वो उसका स्वभाव स्वभाव कैसे शक की है ऐसे उसके विचार है है ना नेगेटिव विचार है ज्यादातर तो उसके अकॉर्डिंग उसे रिजल्ट मिलेगा अगर किसी कोई बहुत पॉजिटिव है और वो सोचता है डिसीजन लेता है जल्दी से और वो उसे पता है डिसीजन का शास्त्र जितना ज्यादा डिसीजन में लूंगा ऐसे उसकी विचार है कि जितने ज्यादा डिसीजन में लूंगा लाइफ में उतना मैं सक्सेसफुल बनूंगा हो सकता है वो डिसीजन गलत भी हो सकते हैं लेकिन वो सही है या गलत है हमें कब पता चलेगा जब हम उन्हें लेंगे और बाद में हम उसे सही भी कर सकते हैं अगर उसके ऐसे विचार है तो वैसे जल्दी जल्दी वो डिसीजन लेगा और बाद में वैसे उसकी लाइफ बनेगी तो बहुत सिंपल है आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है ये वो इस किताब में बताते हैं नेक्स्ट अब सवाल उठता है कि सब कुछ अगर ऐसा है तो यह नियम फिर काम क्यों नहीं करता है बहुत बार जिंदगी में चीजें हमारे खिलाफ क्यों घटित होती है कोई ये तो नहीं चाहता ना कोई ये सोचता तो नहीं ना कि कोई चीज उसके खिलाफ घटित हो कोई नहीं सोचता है अच्छा ही सोचेगा जो भी सोचेगा वो तो अच्छा ही सोचेगा ना लेकिन उसका कारण है दोस्तों ज्यादातर हम वह सोचते हैं जो हम नहीं चाहते जैसे मुझे क्रिकेटर नहीं बनना है मैं क्रिकेट खेलना नहीं चाहता हूं अब आपके दिमाग में सबसे ज्यादा तस्वीरें किसकी आ रही है क्रिकेट की आ रही है उसकी नहीं आ रही है जो आप खेलना चाहते हो या जो आप करना चाहते हो मान लेते हैं आप फुटबॉल खेलना चाहते थे या फिर मान लेते हैं आप आई ऑफिसर बनना चाहते हो लेकिन जब आप ये बोल रहे हो कि जैसे मुझे क्रिकेटर नहीं बनना है मैं क्रिकेट खेलना नहीं चाहता हूं मैं क्रिकेट से नफरत करता हूं और क्रिकेट खेल बिल्कुल अच्छा नहीं है अब ये जब हम बोल रहे हैं या सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में कौन सी तस्वीरें चल रही है क्रिकेट की तस्वीरें चल रही है कोर्स और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है जहा से डिसीजन जो है जन्म लेते हैं ओके okay? हमारा सबकॉन्शियस माइंड तस्वीरों को इकट्ठा करता है और जैसा हम बोलते हैं अभी मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया लेकिन लाइफ में ज्यादातर ऐसा ही हम बोलते हैं हम वो बोलते हैं ज्यादातर जो हमें नहीं चाहिए इसका मतलब क्या है हम हमारे खिलाफ ही काम कर रहे हैं है ना तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा हमें वो बोलना है जो हम चाहते हैं जो हम हासिल करना चाहते जो लाइफ में हम चाहते हैं नेक्स्ट अब रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीजों को पाने की मदद करती है इसके तीन आ, आसान कदम है अब वो फ्रेमवर्क ही बताते हैं पूरी तरह से वो स्टेप ही बताते हैं आपको कि किस तरह से आपको ये सोचना है आपकी सोच किस तरह से होनी चाहिए जिससे जो चाहो आप वो हासिल कर सकते हो तो तीन स्टेप वो बताते हैं सबसे पहला स्टेप है मांगे यानी कि आस्क सबसे पहले अब आस्क मतलब क्या है ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया अब इसे थोड़ा गहराई से समझो जब आप शॉर्ट में ये देखोगे या पढ़ोगे या सुनोगे जैसे वो पहला स्टेप कहते हैं कि आस्क मांगो तो हम कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं अच्छा मांगो मांगे मांगने से मिलता है क्या कुछ लोग फिर इसका विरोध करते हैं नहीं मांगने से तो कहा मिलता है को, मुझे चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए मुझे ऐसे चाहिए ऐसा मांगने से मिलता है क्या नहीं सिंपल वो बता रहे हैं अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया बहुत सिंपल है कि आपको एग्जैक्टली exactly क्या चाहिए ये तो पहले स्पष्ट होना चाहिए ना हमारे दिमाग में कि हमें क्या चाहिए और तब जाके आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो आपके जिंदगी में जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है बिल्डर बिल्डर जब कोई घर बनाता है तो पहले उसके दिमाग में स्पष्ट

अब जब तक वो स्पष्ट नहीं होगी उसकी दिमाग में वो तस्वीर वो कैसे बना पाएगा एग्जैक्टली exactly हमारे लाइफ में यही तो होता है हमें जो चाहिए हमें पैसा कितना चाहिए लाइफ में या कौन सा करियर हमें हम चाहते हैं या हमारा घर हम कैसा चाहते हैं हम अपने रिलेशनशिप कैसे चाहते हैं ये स्पष्ट तस्वीर नहीं होती है ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये तो स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए ना तो इसका मतलब अगर वो स्पष्ट तस्वीर है आपके, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानो या ना मानो आप उसे समझो या ना समझो लेकिन सभी जगह पे यही बताया जाता है ना बड़ी बड़ी कंपनियां जब कोई लक्ष्य रखती है जब कोई वो लाखों करोड़ों का टर्न ओवर करती है तो उसके पहले एक साल पहले पांच साल पहले उनके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर होती है उनके मैनेजमेंट के दिमाग में कि इतना हमारा टर्नओवर होगा इतना इतना हमारा सेल्स होगा इतने इतने देश में हमारी जो है ब्रांचेस होगी इतने लोगों तक तो हम पहुंचना चाहते हैं अगले एक साल में या अगले दस साल में स्पष्ट होता है ना उनके दिमाग में तो जो आम व्यक्ति है जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी जिंदगी में क्या उसके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है जो जो उसे उसे वो वो चाहता है जो उसे वो है हासिल करना क्या उसकी स्पष्ट तस्वीर है उसके दिमाग में ज्यादातर नहीं होती है उसकी दिमाग में तस्वीर हर रोज बदलती रहती है किसी से इन्फ्लुएंस हो गया किसी की कुछ बात सुन ली तो बोले हाँ ऐसा चाहिए उसके बाद किसी ने कई और कुछ पढ़ लिया तो बोले नहीं ऐसा चाहिए जो उसे पर्टिकुलर चाहिए वो स्पष्ट नहीं है उसके दिमाग में सो सबसे पहला स्टेप है आस्क यानी कि मांगो यानी कि आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए आप क्या चाहते हो नेक्स्ट सेकंड स्टेप है, और वो है believe, करो जो आप चाहते हो यकीन रखने में इस तरह का काम करना बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपको मांगी चीज मिल चुकी है यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग आपको आप जो चाहते हैं उसी तरह से आपको बोलचाल रखनी होगी उसी तरह से आपका सोचना आ, उसी तरह से आपकी सोच होनी चाहिए चाल ढाल आपकी उसी तरह से होनी चाहिए जैसे मान लेते हैं अब आई ऑफिसर बनना चाहते हो तो एक आई ऑफिसर कैसे बात करेगा कैसे चलेगा कैसे बैठेगा ये पहले से ही आपका होना चाहिए इसका मतलब है आपने यकीन कर लिया है फिर विश्वास कर लिया है आपने अगर ये आप कर लेते हो जब आप इसे पालने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आकर्षण का नियम लोगों को घटनाओं को और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है आपकी जब आप इस तरह से आपकी चाल डाल हो जाती है आपकी सोच हो जाती है आप जैसे उसी तरह से चलते हो उसी तरह से लोगों से बात करते हो उसी तरह से बैठते हो उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठते हो तो इसका मतलब है आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वो प्रोग्रामिंग हो गया कि यस आपने एक कर लिया और जब तक आप यकीन नहीं इसे कहते यकीन करना जस्ट ये सोचने से नहीं होगा कि यस आई एस ऑफिसर बन गया हूं या मैंने महीने का दस लाख रुपए में कमाने लगा सिर्फ इतना सोचने से कहा होगा फिर उस तरह के एक्शन भी आपसे नहीं होगी सिर्फ सोचने से वो ख्याली फुला और रचनात्मक सकारात्मक विचार क्या होते हैं ये आगे हम देखने वाले हैं तो ये यकीन जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक आपको आपके अनुकूल परिस्थितियां नहीं बन पाएगी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए गए तो इंटरव्यू देने वाले आपको तभी जॉब ऑफर करेंगे जब उनको आपके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखेगा कि आप उस पोस्ट के लायक है सिर्फ बोलने से थोड़ा ना उनको कॉन्फिडेंस दिखाई देगा वो आपके पूरे व्यक्तित्व में वो दिखना चाहिए उनको उनको महसूस होना चाहिए कि यस आप वो बंदा आप वो उस लेवल के बंदे हो आप अब वो पूरे डिपार्टमेंट को संभाल सकते हो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हो उन्हें कंट्रोल कर सकते हो पॉजिटिव तरीके से ये जब तक उनको एक ये होगा आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर तब तक वो आपको कैसे ऑफर करेंगे वो जॉब सिंपल सी जॉब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो जो बताते हैं सीक्रेट में कि उस तरह की फ्रीक्वेंसी उस तरह की ऊर्जा आपके दिमाग से बाहर निकलती है एंड वो ब्रह्मांड में जाती है वो सब बातें साइड में रख लो लेकिन सिंपल लॉजिक से तो समझो इस नियम को कि जब तक आपको यकीन नहीं होगा अगर मुझे बिजनेस बनना है और मैं सोच रहा हूँ मुझे बिजनेस बनना है और मुझे अगर यकीन नहीं है तो बिजनेस का नाम क्या रखे उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करे उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसका कच्चा मटेरियल कहाँ कहाँ पे मिलता है उसे लाने के लिए कितना खर्च आएगा कितने एफर्ट्स लगेंगे ये सारी बातें जो आगे की प्रोसेस है ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा अगर मुझे यकीन नहीं है तो यकीन कब होगा जब आप वो सारी बातें आपके बोलने में चलने में बैठने में उठने में अगर आप ढाल लेते हो आपके अंदर इसका मतलब है कि आपके आपको यकीन है कि आप वो हासिल कर लोगे इसलिए वो मूवी में भी बताते हैं कि आप शुरू से शुरू में ही आप बहुत बड़ा लोक बहुत बड़ा लक्ष्य मत रखो आप ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही यकीन ना करे उसके ऊपर छोटे लक्ष्य से आप शुरुआत करो एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है तो बड़े लक्ष्य पर भी आप यकीन कर पाओगे कि आप उसे हासिल कर सकते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट यह इन्वेस्टमेंट का मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर आपका स्टार्टअप है आपके पास बहुत जबरदस्त आइडिया है जिससे लोगों की जिंदगी बदल रही है बदलने वाली है लेकिन उसके लिए आपको ढेर सारा पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट चाहिए तो जब आप वो इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों तक आप पहुंचोगे लोगों के पास आप जाओगे तो आपके बोलने से बैठने से चलने से आपकी आंखों में जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा तब तक वो कैसे पैसा लगाएगी आपके बिजनेस में कभी नहीं लगा सकते सो so, यकीन करो, सबसे पहले तो स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए उसके बाद यकीन करना है आपको यकीन करना है मतलब इसमें मैंने आपको बताया बहुत डिटेल में नेक्स्ट स्टेप है और वो है पाए यानी कि रिसीव हासिल करो अब इसमें इसका मतलब क्या है इसका मतलब है पाए का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसा आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं महसूस करना मतलब क्या सॉरी रिसीव करना मतलब क्या वो जो आप हासिल करने वाले हो वो हासिल होने के बाद आप कैसा महसूस करोगे सेम वैसा ही अभी आप महसूस करो उतनी उतना रिलैक्स उतना टेंशन फ्री उतनी खुशी अभी आप महसूस करो ऐसा वो कह रहे हैं क्योंकि अगर आप तनाव में रहेंगे अगर आप टेंशन में रहेंगे तो कैसे उस चीज को आप हासिल करेंगे कैसे उस चीज को हासिल करने के लिए आप प्रयास करोगे अब इसके पहले के अः अगर आप स्टेप पे जाते हो सेकंड स्टेप पे यहाँ पे वो कह रहे हैं जब आप इसे पालने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आकर्षण का नियम लोगों को घटनाओं को और परिस्थितियों को आपके अनुकूल बना देता है अनुकूल बनाता है इतना वो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है एक्शन हमें लेनी होगी विदाउट एक्शन नो एट्रैक्शन तो बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं बोले सिर्फ सोचने से कहा होता है लॉ ऑफ एट्रैक्शन काम तो नहीं करता लेकिन उसे आप पूरा पूरी तरह से समझो तो सही लॉ ऑफ एट्रैक्शन को सिर्फ वो अनुकूल बना देते हैं वो वो आपकी विचार अगर आप वैसे है तो परिस्थिति आपके अनुकूल बन जाती है लेकिन आखिर में एक्शन तो आप ही को लेनी है ना तो जब ये जो थर्ड स्टेप वो बता रहे हैं कि रिसीव की जब स्टेप बता रहे हो कि वैसे ही आप महसूस करो तो तब जाके आप वो एक्शन ले पाओगे अगर आप पहले से तनाव में हो मिलेगा नहीं मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा अगर इस तरह से तनाव में आप हो तो कैसे आपका मन उत्कृष्ट अवस्था में रहेगा और कैसे आप एक्शन लोगे और कैसे आप वो रिजल्ट हासिल करोगे और कैसे लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे ओके okay. जस्ट so ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बिल्कुल मैं एक साइकोलॉजिकल वे से मनोवैज्ञानिक वे से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल ये जो स्टेप्स बताए हैं इनको आप इस नजरिए से भी देखते हो जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है इसके ऊपर यकीन आना शुरू हो जाएगा ये स्टेप है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए यही तो स्टेप्स है उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अलग तरीके से उन्होंने समझाया है कि लॉ ऑफ एट्रैक्शन आप जो सोचते हो वो आप पाते हो सभी बड़े लोगों ने बताया है कि आपकी जिंदगी आपके विचारों का परिणाम है ओके नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे और फिर ये रिसीव करने अच्छा महसूस करने के लिए या वो स्पष्ट तस्वीर आपके दिमाग में रहनी चाहिए इसके कुछ टूल्स उन्होंने फिर बताए हैं इस किताब में कौन से टूल्स है एक तो एक कृतज्ञता यानी कि ग्रेटिट्यूड इससे आप अच्छी मन की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं आपके पास ऑलरेडी जो है उसके प्रति आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो हर रोज थैंक्स कहते हो तो आप, आपकी मन की अच्छी अवस्था में आप पहुंच जाते हो नेक्स्ट मानसिक तस्वीर विजुअलाइजेशन की एक विजुअलाइजेशन का एक टूल शो बताते हैं जैसे अगर आप दौड़ रहे हो ऐसा विजुअलाइजेशन करते हो आप दौड़ रहे हो अगर आप ऐसा विजुअलाइजेशन करने लग गए ना दोस्तों तो, तो एक्चुअली दौड़ते समय जिस क्रम से आपकी मांसपेशियां इस्तेमाल होगी उसी क्रम से विजुअलाइजेशन करते समय भी होगी ये किसका कहना है डॉक्टर डेनिस वेटली इस किताब में वो सीक्रेट किताब में वो बताते हैं और इसलिए विजुअलाइजेशन और स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए ना हमारे दिमाग में तो कैसी होगी आप विजुअलाइज करो कि वो मैंने हासिल कर लिया है वो मेरे पास है ये विजुअलाइजेशन जब आप करते हो जैसे वो सीक्रेट मूवी अगर आप देखते हो कि उसमें वो बंदे को कार चाहिए फोर व्हीलर चाहिए और वो जस्ट एक्शन कर रहा है विजुअलाइज कर रहा है गियर डाल रहा है और स्टेरिंग घुमा रहा है इस तरह से और कुछ लोग कहते हैं ये क्या पागलपन है ऐसा पागलपन करने से क्या हमें कार मिल जाएगी क्या नहीं मिलेगी लेकिन आपको पता है ये सब करने से जो आपको चाहिए उसकी स्पष्ट तस्वीर आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो बैठनी चाहिए ना सबसे पहले तो उसके पहले तो बहुत सारे शक हमारे अंदर बैठे हुए हैं हमारे माइंड में बैठे हुए हैं So, जब आप इस तरह से विजुलाइज करते हो कि वो कार आप चला रहे हो गियर डाल रहे हो और बहुत खुश हो इस तरह से आप कर रहे हो विजुअलाइज कर रहे हो तो क्या होगा आपको जो चाहिए उसकी स्पष्ट तस्वीर आपका माइंड देखने लगेगा कि यस मुझे ये चाहिए ये उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है तो एक पागल पर नहीं है वो आपके विचारों को पावरफुल करने का एक बहुत बहुत अच्छा टूल्स है वो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अब इसी किताब में वो बताते हैं अब ख्याली पुलाव या उथले विचार वर्षे रचनात्मक सकारात्मक विचार इनमें क्या फर्क होता है ये पहले हम देखेंगे ओके सिर्फ सोचने से क्या हमें मिल जाता है क्या सब कुछ नहीं तो इसी किताब में जैक कैनफील्ड कहते हैं सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर या विचारों से नहीं इसको मैंने रेड अक्षर में आपको हाईलाइट किया है सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर या विचारों से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होता है बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगू या अपनी मन चीज के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगू तो यही यही काफी है बहुत सारे लोग यही सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वो प्रैक्टिस करते हैं तो ये तस्वीर देखने लग गए कि मैं इसके मैं एक कार का मालिक हूं मैं एक लाख का एक लाख रुपए कमा रहा हूँ हर रोज एक लाख रुपए में हर रोज कमा रहा हूँ एक लाख रुपए में हर रोज कमा रहा हूं जैसे वो तस्वीर देखते हैं लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी यस yes. ये सब तो आपको सोचना है लेकिन उसके साथ आपको वो फीलिंग भी लानी है वो फीलिंग आनी चाहिए समृद्धि प्रेम या खुशी जब तक तो वो वो भावनाएं उत्पन्न नहीं होती है तब तक वो काम नहीं करता है तब तक आपके अंदर आपका व्यक्तित्व तो वैसे नहीं बनेगा तब तक लोग कहते हैं कि आपको वो हासिल नहीं होता आपको वो नहीं मिलता जो आप मांगते हो आपको वो मिलता है जो आप हो तो जब आप ये फीलिंग के साथ आप ये फीलिंग जब आपके माइंड में उत्पन्न होने आपके मन में उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है ना आपके अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है समृद्धि प्रेम खुशी तो आप उस लेवल के इंसान बनने शुरू हो जाते हो सोचता तो वो भिखारी भी है फिर जो होटल के तो फाइव स्टार होटल के सामने बैठा है वो भी सोचता है कि इस फाइव स्टार होटल में मुझे खाना मिलना चाहिए लेकिन क्या फिर उसकी सोच उसको उसे वो रिजल्ट मिलता है क्या ना के बराबर है विचार, इसमें शायद आपको मुझे लगता है कि आपको फर्क समझ में आ गया होगा सिर्फ हम जब ये कहते हैं कि सोचने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सोचने से मिल जाता है वो एक वन लाइन है वो लेकिन अगर और डीप में डीप में अगर आप समझोगे कि आप जब सोचते हो कि क्या आपके अंदर से समृद्धि प्रेम या खुशी की भावना उत्पन्न हो रही है अगर हो रही है तो ऑफ एट्रैक्शन की शक्ति वहां पे उत्पन्न होगी और वो क्योंकि जितने भी बड़े लोग हुए सक्सेसफुल लोग हुए चाहे वो ऑफ एट्रैक्शन को जानते हो या नहीं जानते हो जो उनको चाहिए था उसके प्रति वो बड़े एक्साइटेड थे बहुत जबरदस्त अंदर से उनको फील होता था कि यस ये मुझे हासिल करना है और ये मैं हासिल करके रहूंगा वो फीलिंग वो, वो महसूस करते थे और तब जाके वो चीज वो हासिल कर पाए अब जरूरी नहीं कि वो हंड्रेड एक बार सफल हुए तो बार बार सफल होने लग गए नहीं हर बार ये नहीं होता है इस बात को भी समझ लीजिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए चाहे वो रतन टाटा जी हो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो जितनी भी वो सक्सेस ऐसा नहीं कि हर रोज उनके लिए सफलता का दिन होता था वो सफल जरूर हुए सक्सेस जरूर वो महान बने नहीं ऐसा नहीं लेकिन ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो फिर भी कुछ समय ऐसे होता है कि हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है और यहाँ पे जो भगवत गीता है वो हमें समझनी बहुत जरूरी है जैसे लॉ ऑफ एट्रैक्शन में तीन स्टेप बताए हैं आस्क बिल्यू एंड आपने आस्क यानी कि आपके माइंड में बहुत स्पष्ट तस्वीर है ठीक है जो आप चाहते हो उसकी उसके बाद बिलीव आपको यकीन भी है और आप उसी तरह से आपकी चाल डाल हो गई है उसी तरह से आप बोल रहे हो एक कर रहे हो पूरी तरह से और रिसीव आप फील भी कर रहे हो लेकिन फिर भी और भी कुछ फैक्टर है जो यहाँ पे असर करते हैं और वो बात लॉप एट्रैक्शन में या सीक्रेट में नहीं बताई है और वो फैक्टर है अवर पास्ट कर्मा एंड द एफर्ट्स ऑफ अदर्स ये तो है आस बिलीव रिस्यू ये तो है लेकिन उसी तरह से और पास्ट कर्मा भी तो काम करेंगे ना यहाँ पे या एफर्ट्स ऑफ अदर दूसरों के एफर्ट्स भी तो काम करेंगे ना यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरव्यू uh, देने के लिए मुझे जाना है और एक ही पोस्ट है और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है मेरे जैसे ही उस पोस्ट के लिए और मैं ये आज बिलीव रूस्यू ये सब कुछ मैं थर्ली बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूं मान लेते हैं लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि मेरे कुछ पास्ट कर्मा हो गए चाहे वो पिछले जन्म के हो सकते हैं या इस जन्म के हो सकते हैं अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो उसे समझे है अगर आपने तो वो पिछले जन्म की भी बात करते हैं कि हमारा हर इंसान का होता है तो उस वो श्लोक के ऊपर हम आगे आएंगे ओके और पास्ट कर्मा मेरे पास्ट कर्मा जो ऑलरेडी मैंने करके रखे कर्म की बातें कौन कर रहा है कहाँ पे की गई है गीता में कर्म जो है आपके उसके जो रिजल्ट है वो आने ही वाले हैं ऐसा नहीं कि आज कर्म किया और आज ही उसका रिजल्ट आ गया नो no, देर लगेगा वो डिपेंड है तो मेरे फास्ट कर्म भी वहां पे इफेक्ट करेंगे दूसरी बात द एफर्ट्स ऑफ अदर्स अब और भी तो लोग हैं ना जो उसी पोस्ट के लिए जो है उन्होंने अप्लाई किया है तो उनके मन में भी स्पष्ट तस्वीर होगी वो एक ही पोस्ट है उन्होंने भी उनके उनमें से कुछ लोग तो सीरियस हो गए ना या एक हाथ बंदा तो सीरियस होगा उनमें से जो लॉ मान लेते हैं कि नहीं जानता हो लेकिन क्या उसके मन में तस्वीर रख नहीं सकता अगर वो सीरियस है सिंसियर है तो वो यकीन कर रहा है कि यस वो साल भर से यकीन कर रहा है वो तो फील भी कर रहा है कि यस मैंने वो हासिल कर लिया तो यहाँ पे फिर कौन सा फैक्टर जो किस यहाँ पे किसे वो पोस्ट मिलेगी फिर तो यहाँ पे यहाँ पे तय करते हैं दो फैक्टर अवर पास्ट कर्मा और द एफर्ट्स ऑफ अदर्स उसके कितने एफर्ट्स है कंपेरिटिवली मुझसे अगर उसके ज्यादा एफर्ट्स है तो ऑफकोर्स वो पोस्ट उसे मिलेगी या मेरे पास्ट कर्मा कुछ है जिसकी वजह से वो पोस्ट हो सकती है मुझे मिल जाए या हो सकता है मुझे ना मिले लेकिन ये आज ऑन ये तो ये तो प्रायोरिटी ये तो फर्स्ट ये तो हमारे हाथ में है ये तो हमारे हाथ में है और यही प्रोसेस है किसी भी चीज को हासिल करने की तो हम इन्हें डिनाई नहीं कर सकते और न ही इनमें असत्यता है ये ये दो बातों को अगर आप समझ गए तो लॉ ऑफ एट्रैक्शन के अनुसार काम करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा नेक्स्ट अब जो है भगवत गीता में कहीं पर भी लॉ ऑफ एट्रैक्शन के बारे में नहीं बताया स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहीं किसी भी श्लोक में नहीं बताया है लेकिन एक श्लोक है अध्याय आठ का जो श्लोक नंबर सिक्स है उसमें कृष्ण भगवान कहते हैं ये कुंती पुत्र अर्जुन यह मनुष्य अनंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उस उसको ही प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है इससे हमें आइडिया आती है कि जिस हम मरते समय जिस विचार को लेकर हम मर रहे हैं उसी विचार को उसी अवस्था को हम बाद में प्राप्त करते हैं ऐसा श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में कहते हैं क्यों क्योंकि जिंदगी भर वो उसी विचार से ज्यादातर भावित था और मरते समय कौन से विचार आएंगे दोस्तों आपको ज्यादातर ऑटोमेटिकली वो विचार आएंगे जो जिंदगी भर ज्यादा वक्त हमने सोचे है वही विचार आएंगे ना नया विचार तो नहीं आएगा ऑटोमेटिकली तो वही विचार आएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अः ठोक देता है किसी की और आप वहां पे देखना किसी ने किसी की गाड़ी ठोक दी तो उस इंसान के मुंह में से पहला शब्द जो आएगा वो वही आएगा जो ऑलरेडी बहुत बार उसने बोला है या प्रोग्रामिंग हो चुका है उसके माइंड में कोई वो पर्टिकुलर गाली देगा है ना ऑटोमेटिकली उस वक्त सो so, इस श्लोक से हमें ये आ, ये अंदाजा आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि जो हम सोचते हैं उसी अवस्था को हम प्राप्त करते हैं जैसा हम सोचते हैं वो हमारी जिंदगी में आता है या हम वहां पे पहुंच जाते हैं ये एक श्लोक में बताया गया है ओके नेक्स्ट अब वाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ एट्रैक्शन क्यों सीख रहे हैं लोग क्यों जरूरत पड़ रही है क्यों उसे समझा रहे हैं लोग क्या कारण है उसका तो लॉ ऑफ एट्रैक्शन बात करता है कार बंगलो मनी यानी कि भौतिक जगत की सफलता की आपको कार चाहिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए आपको अच्छी नौकरी चाहिए ओके आपको घर चाहिए बहुत जबरदस्त तो आप इस तरह से सोचो कि वो आपको मिल गया है आप उसे हासिल कर रहे हो और आपने वो हासिल कर लिया है ये लॉ ऑफ एट्रैक्शन में बताया गया है जितने भी लॉ ऑफ एट्रेक्शन की किताबें हैं जिसमें भी वो नियम बताया गया है तो भौतिक जगत की सफलता की वो बात करते हैं तो यहाँ पे एक बात को थोड़ा ध्यान से सुनना मैं जो बताने जा रहा हूँ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आकर्षण का नियम जो है सफलता की तो बात करता है भौतिक सफलता की लेकिन क्या सुख और मन की शांति की वो बात करता है हम भगवत गीता के बारे में भी समझ रहे हैं दोस्तों समझेंगे अभी आगे लेकिन उसके पहले ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है सफलता की बात करता है यस अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करते हो तो वो जो भौतिक जगत की सफलता है, जो है वो आपको मिलती है अगर प्रॉपरली अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करते हो तो प्रयास अगर आप करते हो तो आपको गाड़ी मिल जाएगी आपको बंगला मिल जाएगा आपका इनकम बढ़ जाएगा इनकम सोर्स आपको बढ़ जाएगा लेकिन क्या उससे हमें सुख मिलेगा क्या मन की शांति मिलेगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुख और मन की शांति की बात नहीं करता है okay. so, बाद में तो हम जाते कि हमारे पास कार है और अच्छी कार के लिए हम दौड़ने लगते हैं कोई वो घर हम बना लेते हैं तो उसका उसकी खुशी कितने दिन तक रहती है अब पड़ोस में और किसी ने हमसे बेहतर घर बना लिया तो हम फिर से दुखी हो जाते हैं फिर से एक बेहतर घर बनाने के चक्कर में हम लग जाते हैं तो ये प्रोसेस चलते रहता है सफलता तो मिलती है लेकिन सुख और मन की शांति की बात नहीं करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि गीता में इसके बारे में बहुत गहराई से बताया है भगवत गीता में जो अध्याय दो का जो श्लोक नंबर सिक्सटी टू है उसमें बताते हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उस उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है मतलब विषयों का जब हम चिंतन करते हैं भौतिक सफलता की मैं बात मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ जिससे हमें भौतिक सुख मिलता है मतलब इंद्रियों को सुख मिलता है उन, उन विषयों का अगर हम चिंतन करते हैं बार 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 सोचते हैं उनके बारे में ये मुझे चाहिए तो उससे क्या होता है आसक्ति पैदा हो जाती है हमारे मन में एक चीज को लेकर मैं जितना आसक्त हूँ जरूरी नहीं कि आप उतने ही आसक्त हो क्योंकि मैंने उस चीज के बारे में ज्यादा बार सोचा है चिंतन किया है, है ना तो आसक्ति निर्माण होती है और आगे इसी श्लोक में वो कहते हैं आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है काम यानी कि कामना कामना उत्पन्न होती है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है कामना से क्रोध प्रकट होता है क्यों कैसे मैं आपको बता दू जैसे कोई चीज मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल मुझे आइसक्रीम चाहिए उसकी मुझे कामना है अगर वो मिल जाती है तो क्या उसके लिए मैं उसके बाद में जिंदगी भर के लिए सेटिस्फाइड हो जाता हूँ कि बस आज खा लिया आइसक्रीम जिंदगी भर मुझे नहीं मिली तो भी चलेगा नो no, मैं कहता हूं अभी तो ये अभी तक के लिए ठीक है लेकिन आगे दूसरे दिन या दो दिन के बाद मुझे फिर से आइसक्रीम चाहिए मतलब कामना पूरी हो गई तो लालच बड़ा लालच लालच बड़ा ना मेरे माइंड में और अगर कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आएगा मुझे गुस्सा आएगा मुझे है ना तो गुस्सा तो एक वक्त ऐसा पॉइंट आएगा कि गुस्सा आने ही वाला है क्योंकि हर बार तो कामना मेरी पूरी नहीं होगी ना So, भगवत गीता में श्लोक में बताते हैं कि क्रोध प्रकट होता है फिर उससे देन नेक्स्ट श्लोक उसी अध्याय का 63 जो सिक्सटी थ्री श्लोक है श्लोक नंबर सिक्सटी थ्री उसमें वो कहते हैं आगे क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है क्रोध से पूर्ण मोह यानी कि मूड भाव उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है देन जब शक्ति ब्रह्मित हो जाती है, तो बुद्धि कब डेवलप होती है, जब शक्ति हमारी है तो बुद्धि है।, है, है और मनुष्य मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है मतलब मनुष्य का पतन होता है समझ में आ रहा है दोस्तों गीता जो बहुत आयर लेवल की बात करता है अंतिम बात करता है गीता एट्रैक्शन जो है वो बहुत ही जगत की सफलता की बात करता है लेकिन उससे भी आगे जब आप सोचने लग जाते हो जिंदगी में एक 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 ऐसे आती है कि जब ये सारी चीजें हमें खुशी नहीं देती हम उनका साथ छोड़ देते हैं और फिर इसलिए लोग ज्यादातर आध्यात्मिक क्यों होने लगते हैं क्योंकि उन्हें उन चीजों का उन चीजों में कुछ पावर नहीं है उन्हें समझ में आता है अनुभव से बोलने से समझ में नहीं आता है कार चाहिए बंगला चाहिए सब कुछ चाहिए जब तक नहीं है तब तक वो समझ में भी नहीं आएगा ये तो हासिल करना ही है हमें उसके लिए हम आगे बात करेंगे ओके लेकिन अंतिम जो है इन बातों को हमें ध्यान में रखना है कि अंतिम फिर हमें क्या मिलने वाला है सो so, नेक्स्ट तो भगवत गीता में आगे अध्याय नंबर दो और श्लोक नंबर फोर्टी सेवन में बताया है कि तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है इसका मतलब ये नहीं कि फिर आपको कर्म नहीं करना है कर्तव्य नहीं करना है okay, आपको कर्म करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो कर्म तो आपको करना ही होगा लेकिन कर्म के जो फल मिलने वाले हैं उसके आप अधिकारी नहीं हो आपके हाथ में नहीं है ओके okay? नेक्स्ट वो कहते हैं गीता में बताया गया है तुम न तो कभी अपने को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप कभी कर्म के जो फल मिलने वाले उसे अपना खुद को कारण मत मानो आप और नहीं फिर आसक्त हो जाओ कर्म न करने में कि नहीं करना है मुझे कर्म इस दोस्तों आपको बता दू आप आप कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं ना? नहीं फिर मुझे कर्म तो करना ही नहीं है जाने दो तो, फिर मैं बैठा रहता हूं वो भी एक कर्म ही है कर्म ना करना भी एक कर्म ही है इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम कर्म से बच नहीं सकते आपको कर्म तो करना ही होगा फिर क्या करना एक्जैक्टली exactly आगे वो कहते हैं अगर आपको वो सुख शांति भी चाहिए आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए सफलता भी चाहिए तो वो कहते हैं कर्म तो आपको करना पड़ेगा बहुत सिंपल बात है आप करो या ना करो और उसके जो फल मिलेंगे चलो आपने कहा कि मैं कुछ भी काम नहीं करता हूं फिर बाद में अगर दुख ही मिलने वाला है पतन ही होने वाला है मेरा ओके आसक्ति होगी मैं विश्व का चिंतन करूंगा फिर उससे आसक्त हो जाऊंगा फिर कामना बढ़ेगी एंड फिर क्रोध आएगा अगर ये सब होने वाला है तो उससे अच्छा विश्व का चिंतन ही नहीं करता तो फिर मैं कामना ही नहीं करूंगा फिर क्रोध ही नहीं आएगा मुझे ये सब मैं कुछ नहीं करता मतलब मैं कर्म ही नहीं करता हूं लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म से आप बच नहीं सकते और नहीं उसके फल आपके हाथ में है फल के आप अधिकारी नहीं हो अगर आपने कर्म नहीं किया तो कर्म ना करने का भी कुछ ना कुछ तो फल आपको मिलेगा ही ना तो कर्म तो आपको करना ही है लेकिन फिर आगे वो कहते हैं अध्याय नंबर नाइन जो श्लोक नंबर है उसमें वो कहते हैं तो आपको क्या करना है अर्जुन तुम जो कुछ करते हो खाते हो यज्ञ करते हो जो कुछ दान करते हो और जो तप करते हो वह सब मुझे अर्पित कर दो डेट्स इट तो ये निष्काम कर्मयोग की वो बात करते हैं आपको कर्म करना है सब कुछ करना है लेकिन आपको रिजल्ट से अटैच नहीं होना है जस्ट आपको भगवान के ऊपर छोड़ देना जिस शक्ति को आप मानते हो वो सब मुझे अर्पित कर दो मुझे मतलब सिर्फ कृष्ण भगवान को नहीं जिससे आप मानते हो जिस शक्ति को आप मानते हो बस अर्पित कर दो उसे कि ये मैं उसके लिए कर रहा हूं मैं ये मेरे कृष्ण भगवान के लिए कर रहा हूं मैं खाना खा रहा हूँ मैं काम कर रहा हूं मैं ड्यूटी कर रहा हूं मैं सब कुछ कृष्ण भगवान के लिए कर रहा हूँ ये अगर माइंड में आप रखते हो तो रिजल्ट अगर क्योंकि लॉ अट्रैक्शन क्या है जब दोनों में आपको फर्क मैं समझा दू अभी लास्ट में गीता क्या कहती है द गीता टेल्स अर्थ टू एक्ट एंड नॉट टू वरी अबाउट रिजल्ट एक्ट तो करो कर्म तो करो लेकिन रिजल्ट के बारे में टेंशन मत लो चिंता मत करो बस भगवान के ऊपर छोड़ दो या हर काम को हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दो तो क्या होगा टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी आप समभाव में रहोगे नेक्स्ट लॉ ऑफ एट्रैक्शन कहता है उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करो ऐसा लॉ ऑफ एट्रैक्शन कहता है सो so, ये अभी आपके पास चॉइस है कि आपको किसके अकॉर्डिंग करना है कर्म तो करना है ये गाड़ी चाहिए बंगला चाहिए पैसा चाहिए ये सब कुछ चाहिए लेकिन गीता की ये बात को आप अगर ध्यान में रखते हो अगर अप्लाई करते हो तो सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी वो चीजें तो आपको मिलेगी लेकिन उसी के साथ साथ आपको मन की शांति मिलेगी क्यों क्योंकि आप हर काम को आपके हर कर्म को आप भगवान के लिए कर रहे हो उन्हें उन्हें समर्पित कर रहे हो तो उस काम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि जब हम पूजा करने बैठते तो कितने भाव से हम कितने अच्छे भाव से हम पूजा करते हैं उस वक्त हमारी मन की अवस्था कितनी उत्कृष्ट हो जाती है उसी तरह से अगर हर काम को आप पढ़ाई भी कर रहे हो हर काम को अगर आप भगवान को समर्पित करने के भाव से अगर आप कर रहे हो तो आपको मन की शांति मिलेगी सुख मिलेगा और सफलता भी क्योंकि कर्म कर रहे हो तो सफलता भी आपको मिलने वाली है ये आपके पास चॉइस है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसा ही करना है लेकिन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिर्फ उतना ही लेके चलते हो तो वो चीज आपको मिलेगी जरूर लेकिन उसके साथ तनाव आएगा क्योंकि एक करोड़ आपको मिल

लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो स्टेप्स है वो आप जरूर फॉलो करो लेकिन उसके साथ साथ भगवत गीता का ये जो अनमोल ज्ञान है इसे फॉलो करो तो क्या होगा सफलता मिलेगी सुख और मन की शांति भी आपको मिलती है तो दोस्तों यहाँ पे मैं रुकता हूँ ये वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय टेक केयर शुक्रिया